नमस्कार, बलिया लाइफ के फेसबुक पेज पर मैं आपके साथ वीरेंद्र नाथ मिश्रा। आज हम यहाँ पुष्पक नाथ जी महाराज के आश्रम यहाँ यज्ञ चल रहा है। इस यज्ञ में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जैसा कि बलिया की बलिया के बाबाओं का अद्भुत संस्कार से भृगु से लेकर के तमाम संत महात्मा यहाँ जन्म लिए। ऐसे ही महान व्यक्तियों के असली में बाबा पुष्पकनाथ जी का स्थान हमारे साथ यहाँ खड़े हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुदर्शन सिंह के इंटरमीडिएट कॉलेज के अवकाश प्राप्त शिक्षक अशोक मिश्र, हम इनसे बाबा के बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे। आप हमें पशुपत बाबा के बारे में बताएं। अनंत विभाग हमारे यहाँ के बहुत दिव्य और व्रत रहे हैं, तपस्वी रहे हैं और इनको पूरा बिहार मध्य प्रदेश सैकड़ों स्थान पर उत्तर प्रदेश और बिहार में इनके आश्रम और इनके श्रद्धालु यज्ञ करते हैं। इनके जन्मदिन अश्विन मास में कार्तिक मास के सप्तमी को इनके जन्मदिन पर भंडारा होता है। हर साल चंडी यज्ञ पैंसठ चंडी यज्ञ का आयोजन विगत 50 वर्षों से हो रहा है। बाबा उस समय सशरीर यहाँ पृथ्वी पर थे तब से और आज भी जब बाबा नहीं रहे तो ये हम लोग सभी लोग बहुत लाभान्वित होते हैं इनसे और इनके बताए हुए पूरा मार्गों की चर्चा हमेशा होती रहती है। आश्रम पर हमेशा भजन कीर्तन पूजन रुद्राभिषेक आदि का कार्यक्रम बारह मास लगातार साल भर चलता रहा। बाबा का जन्म यही हुआ था? जी जी, यही जो यहाँ मंदिर बना हुआ है यही उनकी कुटिया थी। इनके पिता जी और माता जी का पराली था, उसका घर था और यही जन्म उसी जन्म स्थान पर ही जहाँ उनका घर था जहाँ जन्म लिए थे वही मंदिर बना। आज के समय में क्या हो रहा है यहाँ? आज इस समय यहाँ सत्यचंडी यज्ञ का आयोजन हर वर्ष की भांत इस वर्ष भी सत्यचंडी यज्ञ का आयोजन हो रहा है जिसकी पूरा होती है 31 अक्टूबर को कल है। शंकराचार्य जी भी जी 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 चार कई बार तो चारों शंकराचार्य जगत पूरी के शंकराचार्य दक्षिण वाले शंकराचार्य हर शंकराचार्य बड़े भूषण जमात प्रेम भूषण महात्मा वेदांति स्वामी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हमेशा आते रहते। करपात्री जी भी जी जी करपात्री जी भी आए। करपात्री जी के तो बाबा महाराज प्रथम शिष्य ही प्रथम शिष्य ही बाबा प्रपुत्र
भक्त हैं, सिद्ध हैं, बहुत पहुँचे हुए सिद्ध महात्मा हैं, हजारों की संख्या में गाय लोग हैं। गंगा ये मुक्त गंगा के भक्त हैं। गंगा दशहरा के लिए यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है, हमेशा बाबा की जो जिंदगी है का कार्य रोज ही होता है।